number of roots of the equation z raised to power 10 minus z raised to power 5 minus 992 is equal to 0 with negative real part is. So let's see, देखते हैं हमारे पास में क्या होगी. तो हमारे पास में let's मैं बोलता हूँ कि z raised to power 5 को मैं बोलता हूँ equal to t है, ठीक है. तो t की वैल्यू कहते हैं ऐसे, ये t square minus t minus 992, it is equal to 0, okay. तो यहाँ से t की वैल्यू कहती है हमारे पास, वो t होता है minus b which is 1 plus minus b square which is 1 minus 4 is 4 into 992. तो अगेन हम देखेंगे और अपॉन में क्या आता है हमारे पास में, अपॉन में आता है हमारे पास में 2a, ओके. तो वैल्यू होती है इसकी इक्वल टू 2. अब 4 into 992 कितना आता है हमारे पास में, होता है 3968 के इक्वल होता है पूरी वैल्यू. और ये पूरी वैल्यू होती है 3969, 1 plus 4 into 992 which is स्क्वायर, वो होता है किसका, 63 का स्क्वायर. यहां से हमारे पास में t आता है t is equal to 1 plus minus 63 by 2. तो अगर हम इसमें प्लस पुट करूंगा तो क्या आएगा, 64 by 2. और माइनस पुट करने पे क्या आता है, अगर प्लस वाला लूंगा तो 64 बाय 2 कितना होता है, 32. और माइनस पुट करने पे क्या आता है, यहां से ऐसा आता है माइनस 62 बाय 2, तो माइनस ऑफ 31. तो ये हमारे पास में दो इसके फैक्टर्स आते हैं यहां पे, ठीक है. अब अगर हम देखेंगे तो यहां से हमारे पास में क्या आ गया, z raised to power 5 is equal to t आता है हमारे पास में, है ना. तो दो रूट्स आए, एक आया z raised to power 5 is equal to 32 और दूसरा आया हमारे पास में z raised to power 5 is equal to minus of 31. अब हमें वो रूट्स बताने जिसका रियल पार्ट क्या हो, नेगेटिव हो, है ना. देखते हैं कैसे निकालेंगे. तो हमारे पास में z raised to power 5 is equal to 32 के रूट्स क्या होंगे, तो इसके रूट्स होंगे हमारे पास में z is equal to, z क्या हो गया यहां से, 32 raised to power 1 by 5. इसके रूट्स हम कैसे लिखेंगे, 32 की पावर 1 by 5 तो 2 होता है, हमें पता है ना. उसके बाद आर्गुमेंट क्या आएगा, e raised to power iota, 32 का आर्गुमेंट होता है 0, तो आएगा 0 plus 2n pi by 5, तो आएगा 0 plus 2n pi by 5, ओके. अब ये क्या होगा, n की वैल्यू कहां से आता जाएगी, 0 से लेके 4 तक, ठीक है. सिमिलरली इस साइड में क्या होगा, z हमारा z हो जाएगा minus of 31 की पावर 1 by 5, ओके. तो z क्या हो गया यहां से, सिंपली 31 की पावर 1 by 5, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया. इसका आर्गुमेंट क्या जाएगा, e raised to power iota. इनिशियली आयर्स का आर्गुमेंट क्या है, पाई के इक्वल है, क्योंकि हम माइनस 31 पे हैं, तो आएगा पाई प्लस 2n पाई बाय 5, कितना 5, ओके. नाउ लेट्स इसे सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है. तो ये वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास में, इट इज इक्वल टू 2 इनटू e रेस्ट टू पावर आयोटा. अगर n की वैल्यू यहां 0 पुट करूंगा, सी 0 से 4 तक पुट करनी है मुझे, 0 पुट करने पे आ जाएगा सिंपली, मैं सारे लिखता हूं रूट्स. तो पहला आएगा e रेस्ट टू पावर आयोटा 0, इट मींस सिंपली 2 के इक्वल. फिर दूसरा आएगा मेरे पास में 2 into e raised to power iota 2 pi by 5. फिर आएगा next 2 into e raised to power iota 4 pi by 5. फिर आएगा 2 into e raised to power iota 6 pi by 5. फिर आएगा 2 into e raised to power iota 8 pi by 5. अब यहां से देखते हैं, यहां z क्या आएगा हमारे पास में, z की वैल्यू आएगी हमारे पास में, एक बार जब मैं सिंपली पुट करेंगे तो आ जाएगा, सी मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता. लेट्स से मैग्नीट्यूड r है इसका 31 की पावर 1 by 5, एक आएगा हमारे पास में e raised to power iota pi by 5. फिर आएगा r into e raised to power iota 3 pi by 5. फिर आएगा r into e raised to power iota कितना, 5 pi by 5, और आई कैन से ओनली pi, ठीक है. फिर आएगा r into e raised to power iota कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहां पे ये हो जाएगा हमारे पास में e raised to power iota 7 pi by 5, ओके. फिर आएगा e raised to power iota 9 pi by 5. अब हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज पता है, क्या, कि हमसे पूछा है रियल पार्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. तो रियल पार्ट नेगेटिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है, जो उसका आर्गुमेंट होना चाहिए वो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में. देखते हैं किस किस का आर्गुमेंट पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में. तो अगेन ये वाला आर्गुमेंट पाई बाय 2 से कम है, ये भी पाई बाय 2 से छोटा है, ये हमारा क्या है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में. तो एक तो हमारे जो जो आ गए उनके नीचे मैं येलो लाइन कर देता हूं ये. उसके बाद 5 पाई बाय 8 अगर हम देखेंगे तो 5 पाई बाय 8 क्या है, ये 3 पाई बाय 2 से बड़ा हो जाता है ना, तो ये नहीं होगा. तो ये दो यहां से हमारे दो पॉइंट्स आते हैं. अब इधर से देखते हैं, 3 पाई बाय 5 हमें पता है क्या है, पाई बाय 2 से बड़ा है, ठीक है, पाई भी हमारा पाई बाय 2 से बड़ा है. 7 पाई बाय 5 भी हमारा पाई बाय 2 से बड़ा है और 3 पाई बाय 2 से छोटा है, लेकिन 9 पाई बाय 5 हमारा 3 पाई बाय 2 से बड़ा हो जाता है. तो हमारे कितने ऐसे पॉइंट्स आते हैं, 5. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5, जिनका रियल पार्ट नेगेटिव है.